यूपी बोर्ड की एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर प्रस्तुत हूं दोस्तों अपने चैनल ओम ट्रिक्स पर। दोस्तों यूपी बोर्ड ने एक साफ ऐलान करते हुए कहा है अपने इस दैनिक जागरण के अखबार में, ये देखिए 5 तारीख का ये दैनिक जागरण है लखनऊ का, ठीक है। यूपी बोर्ड ने कह दिया है कि रंगीन डायग्राम पर लगेगी रोक, बनाए फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं परीक्षा के पैटर्न को लेकर के, और कुछ नए चीज़ें यहाँ पे जो अपडेट करी गई हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक की सभी लोग ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। दोस्तों तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या कहा है यूपी बोर्ड के इस अपडेट ने। रंगीन डायग्राम पर लगेगी रोक, बनाए फ्लो चार्ट। कौन से सब्जेक्ट में रंगीन डायग्राम की रोक लगी गई है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान में थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी अहम है, ऐसे में याद करने के साथ साथ विषय को समझने पर भी फोकस करें। खास तौर पर परीक्षा में डायग्राम को रंगीन पेंसिल से बनाएं, ब्लू पेन से ही उसका खाका मतलब लाइनें खींच करके उसके कंपोनेंट का स्पष्ट ध्यान करें या फिर जिक्र करें। कंपोनेंट का मतलब दोस्तों जैसे कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उस स्ट्रक्चर के बारे में आप बताओ, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर में लाइन कर के आप उसी के बारे में बताओ। कारण, CBSE ने इस बार रंगीन पेन का इस्तेमाल वर्जित कर दिया है, वहीं विद्यार्थी बेहतर तैयारी के लिए टॉपिक का फ्लो चार्ट बना लें, ठीक है। जो टॉपिक उनको बताए गए हैं प्रमुख टॉपिक, उनका फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा गया है, यानी कि जो रंगीन डायग्राम का प्रयोग करोगे वो अपने चार्ट में करोगे, ठीक है, ताकि समय में बार बार उनका अभ्यास कर सकें, और उस चार्ट का बार बार अभ्यास करो, वही आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। दैनिक जागरण लखनऊ कार्यालय में शुक्रवार को बायोलॉजी के शिक्षक सुशील दुबे मौजूद रहे हैं, उन पर फ़ोन पर छात्रों में परीक्षा से जुड़े तमाम सुझाव भी दिए हैं। तो बोर्ड की परीक्षा में लेकर के तमाम सुझाव भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 12वीं के इन टॉपिक पर ध्यान दें, क्लास 12th वाले इन टॉपिक पर ज़रूर ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली है पेलेट्रियोट्राली, ठीक है, ट्रॉपी है यहाँ पे, और यहाँ पे है बर्ड एंड हनी बी, कलर ब्लाइंडनेस और थैलीमीसिया, ठीक है, ये सब चैप्टर्स के नाम हैं। ये मुख्य चैप्टर आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे एक दिया गया है एक और बड़ा बदलाव, इंटर में किस यूनिट में कितने अंक का पूछा जाना है बायोलॉजी सेक्शन से दोस्तों। तो इंटर में किस यूनिट से कितने अंक का आना है, तो प्रजनन से आना है 14 अंक का, और जीव विज्ञान और मानव कल्याण से आपका आना है 14 अंक का। जैव प्रौद्योगिकी आपकी 10 नंबर की है, परिस्थिति एवं पर्यावरण आपका 14 नंबर का है, अनुवांशिकी विकास 18 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गुरु मंत्र भी आपकी परीक्षा के लिए दिए गए हैं, ये देखिए दोस्तों, पिछले 10 वर्षों के मॉडल पेपर का अभ्यास करें, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, कुछ टॉपिक के माइंड मैप फ्लो चार्ट बनाएं, अधिक नंबरों वाली यूनिट पर ध्यान फोकस करें, तय शब्दों में ही उत्तर लिखें, यानी कि आपकी जितने तय शब्द दिए गए हैं बस उन्हीं में आप उत्तर लिखें, इससे ज़्यादा उत्तर लिखने की कोशिश मत करें। 5 नंबर के 5 प्रश्नों का उत्तर स्टेप में दें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। और इधर लिखा है ये हुआ है बदलाव, इस बार 26 के बजाय 27 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर के 2-2 के बजाय 5 नंबर के प्रश्न होंगे, पहले 2-2 नंबर के पूछे जाते थे मगर इस बार 5-5 नंबर के पूछे जाने हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर से कम नहीं रहेगा। साथ ही पहली बार अथवा दोनों प्रश्न होंगे तो नंबर के साथ साथ प्रश्न होंगे, 7 नंबर के भी आपके प्रश्न दिए गए हैं, 3 नंबर के 12 प्रश्न होंगे, इनमें से 4 अथवा और विकल्प होंगे, इस बार 4 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, 5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, इसमें भी 3 का अथवा लगा होगा, यानी कि ज़्यादा यूपी बोर्ड ने अथवा लगा दिया, अथवा मतलब और लगा दिया है। प्रश्न आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आता है तो नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यही एक पूरा बहुत बड़ा अपडेट था, और इस अपडेट को आप प्लीज़ अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि बहुत बड़ा ये अपडेट है आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग इस अपडेट को देख करके अपनी जानकारी पूरी कर सके और इसी के अनुसार तैयारी कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।